أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. और अल्ला के लिए अच्छे अच्छे नाम है सो इन नामों से उसको पुकारा करो और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो उसके नामों में कजी अख्तियार करते हैं ان کو ان کے کی ضرور ملے کی. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة رواه البخاري حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے रसूल ने इर्शाद फरमाया अल्लाह के निन्यावे नाम है जो शख्स इनको याद रखेगा वह जन्नत में दाखिल होगा इसी हदीस के दूसरे अल्फाज में यह है जो शख्स इनको हिफ्ज कर लेगा और बराबर पढ़ता रहेगा वह जरूर जन्नत में दाखिल होगा वो नाम उनके मानी और उनकी फजीलत कुछ इस तरह से है अल्लाह का नाम जो शख्स रोजाना एक हजार मरतबा या अल्लाहू पढ़ेगा इन शह उसके दिल से तमाम शकू को शुभा दूर हो जाएंगे और अज्म यकीन की कुत नसीब होगी जो ला इलाज मरीज बकसरत या याल्लाहू का विद रखे और उसके बाद शिफा की दुआ मांगे उसको शिफाए कामिल नसीब होगी रोहम ए बेहद रहम करने वाले जो शख्स रोजाना हर नमाज के बाद सौ मरतबा या रहमानु पढ़ेगा उसके दिल से इंशाला हर किस्म की सख्ती और गफलत दूर हो जाएगी रोहि बड़े मेहरबान जो शख्स रोजाना हर नमाज के बाद सौ मरतबा या रहीम पढ़ेगा तमाम दुनियावी आफतों से इन महफूज रहेगा और तमाम मखलूक उस पर मेहरबान हो जाएगी या बादशाह जो शख्स रोजाना सुबह की नमाज के बाद या मालिक को कसरत से पढ़ा करेगा अल्लाह ताला उसे गनी फरमा देंगे ऐ बुराइयों से पाक जात, जो शख्स रोजाना जवाल के बाद या खुदूसों को कसरत से पढ़ेगा इन दिल रूहानी अमराज से पाक हो जाएगा ऐ बे जात जो शख्स कसरत से या सलामों पढ़ता रहेगा इन तमाम आफतों से महफूज रहेगा जो शख्स 115 सौ पंद्रह मरतबा ये इसम पढ़कर बीमार पर दम करेगा अल्लाह तला उसको सेहत व शिफा अदा फरमाएंगे या मुम्मिन। ए अमनो ईमान देने वाले जो शख्स किसी खौफ के वक्त छह सौ तीस मरतबा इस इसम को पढ़ेगा इन हर तरह के खौफ और नुकसान से महफूज रहेगा जो शख्स इस इस्म को पढ़े या लिखकर पास रखे उसका जाहिर अल्लाह तला की अमान में रहेगा या जो शख्स वोसिल करके दो रकात नमाज पढ़े और सित के दिल से सौ मरतबा या मोहिमनो पढ़े अल्लाह ताला उसका जाहिर बातिन पाक फरमा देंगे और जो शख्स सौ पंद्रह मरतबा पढ़े तो इन शाह पोशीदा चीजों पर मुतला हो या आजीज। सब पर गालिब जो शख्स चालीस दिन तक चालीस मरतबा या अजीजो पढ़ेगा अल्लाह तला उसको मोजिजो मुस्तगनी बना देंगे और जो शख्स नमाज फज्र के बाद इकतालीस मरतबा पढ़े वो इनशाला किसी का मोहताज ना हो और जिल्लत के बाद इज्जत पाए सबसे जबरदस्त जो शख्स रोजाना सुबह शाम 226 सौ छब्बीस मरतबा या जब पढ़ेगा इनशाला जालिमों के जुल्म कहर से महफूज रहेगा और जो शख्स चांदी की अंगूठी पर ये इसम नक्श करा के पहनेगा उसकी हैबत और शौकत लोगों के दिलों में इंशाला पैदा होगी ए बड़ाई और बुजुर्गी वाले जो शख्स कसरत से या मुतकबरों का विरद रखेगा अल्लाह ताला उसे इज्जत और बड़ाई अता फरमाएंगे और अगर हर काम की इब्तदा में यह इसम ब कसरत पढ़े तो इनशाला उसमें कामयाब होगा या खालिक। ए पैदा करने वाले जो शख्स सात रोज तक मुतवातिर सौ मरतबा या खालेगा पढ़ेगा शाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा जो शख्स हमेशा ये इस्म पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और उसका चेहरा मुनव्वर रहता है या बारी। ए जान डालने वाले अगर बांझ औरत सात रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मरतबा अलबारी उल मुसविर पढ़े तो इन उसे औलाद नरीना नसीब हो या ए सूरत देने वाले अगर बांझ औरत सात रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मरतबा बारी मुसवर पढ़े तो इनशा उसे औलादे नरीना नसीब हो दरगुजर और पर्दापोशी करने वाले जो शख्स नमाज जुमा के बाद सौ मरतबा या गफ्फारू को पढ़ा करेगा इन शह उस पर मकफिरत के आसार जाहिर होने लगेंगे और जो शख्स नमाज असर के बाद रोजाना या गफ्फार फिर ली पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको इनशाला बख्शे हुए लोगों के जुमरे में दाखिल करेंगे या कहार। सब को अपने काबू में रखने वाले जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कसरत से या कहार पढ़े तो इन दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से जाती रहेगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी या सब कुछ अदा करने वाले जो शख्स फिक्रो फाका में गिरफ्तार हो वो कसरत से या वहा पढ़ा करे या लिखकर अपने पास रखे या चाश्त की नमाज के आखिरी सज्दे में चालीस मरतबा ये इसम पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फिक्रो फाका से इनशाला उसको हैरत अंगेज तरीक पर निजात दे देंगे और अगर कोई खास हाजत दरपेश हो तो घर या मस्जिद के सहन में तीन बार सजदा करके हाथ उठाए और सौ मरतबा ये इसम पढ़े इनशाला हाजत पूरी हो जाएगी या बहुत बड़े रोजी देने वाले जो शख्स नमाज सुबह से पहले अपने मकान के चारों कोनों में दस दस मरतबा या रजा को पढ़कर दम करेगा अल्लाह ताला उस पर रिस्क के दरवाजे इंशाला खोल देंगे और बीमारी और मुफलीसी उसके घर में हर गि न आएगी दाहिने कोने से शुरू करे और मुंह तिबले की तरफ रखे ऐ बहुत बड़े मुश्किल कुशा जो शख्स नमाज फज्र के बाद दोनों हाथ सीने पर बांध कर सत्तर मरतबा या फताहू पढ़ा करेगा इनशा उसका दिल नूरे ईमान से मुनवर हो जाएगा या अली बहुत वसी इल्म वाले जो शख्स कसरत से या आलिमों का विद रखेगा अल्लाह ताला उस पर इंशाला इल्म मार्फत के दरवाजे खोल देंगे या ए रोजी तंग करने वाले जो शख्स रोटी के चार लुकमों पर या काबिजो लिखकर चालीस दिन तक खाएगा भूख प्यास जख्म और दर्द वगैरह की तकलीफ से इन महफूज रहेगा या ए रोजी फराख करने वाले जो शख्स नमाज चाश्त के बाद आसमान की जानेब हाथ उठाकर रोजाना दस मरतबा या बासितो पढ़ा करेगा और मुंह पर हाथ फेरेगा अल्लाह ताला उसे इन गनी बना देंगे और कभी किसी का मोहताज ना होगा ए पस्त कर देने वाले जो शख्स रोजाना पांच सौ मरतबा या खाफिदो पढ़ा करे अल्लाह ताला उसकी हाजतें इंशाला पूरी और मुश्किल दूर फरमाएंगे जो शख्स तीन रोजे रखे और चौथे रोज एक जगह बैठकर सत्तर बार अल खाफिदो पढ़े तो इन शाह दुश्मन पर फतेह याब हो या बुलंद कर देने वाले जो शख्स हर महीने की चौदहवीं रात को आधी रात में सौ मरतबा वो पढ़े तो अल्लाह ताला उसे इंशाला मखलूक से बेनियाज और तवंगर बना देंगे या ए इज्जत देने वाले जो शख्स पीर या जुम्मे के दिन बाद नमाज मगरब चालीस मरतबा या मोइज्जो पढ़ा करेगा अल्लाह ताला उसको इन लोगों में बाइज्जत और बावकार बना देंगे एज्जत देने वाले जो शख्स पिछहतर मरतबा या मुजिल्लो पढ़कर सरबसजूद होकर दुआ करेगा अल्लाह ताला उसको शाह हासिदों, जालिमों और दुश्मनों के शर से महफूज रखेंगे अगर कोई खास दुश्मन हो तो सजदे में उसका नाम लेकर